वह नोटिफिकेशन सिर्फ हाले कागज का टुकड़ा ही साबित होया क्योंकि इस दौरान जो 3 महीने हो चले आ जोड़े मुलाजम रिटायर हुए उन्होंने किसी ने पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा ना ही 3 महीने बीत जाने बाद भी सरकार ने इसका SOP जारी किया जिदे कारण मुलाजम जोड़े अज सड़कों पर उतर के पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी और रोस जोड़ा प्रगट है वह कर रहे हैं। अगली रणनीति साड़ी है भी 26 फरवरी असी मुख्यमंत्री के निवास धूरी विखे रैली कर जा रहे हैं। अज के जिला पदरी इकट्ठ ने तुम देखा होना सैकड़िया की गिणती जोड़े NPS मुलाजम आए हैं और जोड़े साड़ी सूबा पदरी रैली 26 फरवरी धूरी विखे हो जा रही है वह हज़ारा की गिणती जोड़े पंजाब के मुलाजम है बख जिले तो उत्थे पहुँचे। अजीत पंजाबी की ओथेंटिक खबरों के लिए सबसक्राइब करो अजीत Web TV अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब दे कारकुनां वल्लों रोस वजों पुरानी पेंशन बहाली दे अधूरे नोटिफिकेशन दियां जिला पद्धरी कापियां साड़ के रोस जाहिर कीता गया। जिक्रयोग है कि NPS खातियां विच पिया मुलाजमां दा पैसा LIC SBI अते UTI दे फंडां च लगाया जांदा है। इस पैसे दा वड्डा हिस्सा इन्हां वित्तीय अदारियां वल्लों अडानी ग्रुप च लगाया गया सी। पिछले दिनी अडानी ग्रुप दे शेयर मुद्दे मूह डिगण नाल NPS मुलाजम डर विच ने किते NPS खात्या विच जमा पैसा डुब ही ना जावे। हुण सरकारी वित्तीय अदारियां दा पैसा अडानी ग्रुप विच लगा होण करके जो जोखम है अते जो नुकसान है उस बारे अखौती बुद्धिजीवियां दी जुबान नूं तंदुआ पै गया लगता है। हाँ जी सर, की नाम जी अपना? मैं सूबा कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब। अज पूरे पंजाब च ये जिहड़ा 14 तरीक तक है जिले पद्धर से पहला असी ब्लॉक पद्धर से जिहड़ा पंजाब सरकार ने 1-1-2004 तो बाद भर्ती कर्मचारी है उन्होंने तो ये NPS बंद कर पुरानी पेंशन बहाली का 18 नवंबर 2022 एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन सिर्फ हाले कागज़ का टुकड़ा ही साबित होया क्योंकि इस दौरान जोड़े 3 महीने हो चले आ जोड़े मुलाजम रिटायर हुए उन्होंने किसी ने पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा ना ही 3 महीने बीत जाने बाद भी सरकार ने इसका SOP जारी किया जिदे कारण मुलाजम जोड़े अज सड़कों पर उतर के पंजाब सरकार खिलाफ नारेबाजी और रोस जोड़ा प्रगट है वह कर रहे हैं। अगली रणनीति साड़ी है भी 26 फरवरी असी मुख्यमंत्री के निवास धूरी विखे रैली कर जा रहे हैं। अज के जिला पद्धरी इकट्ठ ने तुम देखा होना सैकड़िया की गिणती जोड़े NPS मुलाजम आए हैं और जोड़े साड़ी सूबा पद्धरी रैली 26 फरवरी धूरी विखे हो जा रही है वह हज़ारा की गिणती जोड़े पंजाब के मुलाजम है बख जिले तो उत्थे पहुँचे। मेरा जसवीर सिंह तलवाड़ा सूबा कन्वीनर पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब। हाँ जी सर, की नाम जी? मैं अमरदीप शर्मा जिला प्रधान गौरमेंट टीचर यूनियन पंजाब तो। अज जिला हुशियारपुर के जो सैकड़े मुलाजम इतने रोस प्रकट कर रहे हैं। इस रोस का मुख्य कारण पंजाब सरकार वालों जारी अधूरा पुरानी पेंशन के संबंधी जो नोटिफिकेशन सीगा पंजाब की मौजूदा सरकार जिहड़ी है वो पंजाब के लखां मुलाजमान नाल वादा करके आई सी और पंजाब के मुलाजमान ने भी वड्डी गिणती दे विच सरकार दे हक च फतवा दिता जिस करके अज की मौजूदा पंजाब की भगवंत मान सरकार जी 92 सीटा दे नाल साडे ते राज कर रही है। पर सानू दुख इस गल का भी जिहड़ा मान साहब ने गल कही सी असी आउंदे ही जिहड़ी आ पुरानी पेंशन बहाल करनी आ। सो पंजाब के लखां मुलाजम हाले तक भी इस गल की उड़ीक विच ने भी पंजाब सरकार कदों वो नोटिफिकेशन पूरा जिहड़ा लागू करती है क्योंकि इहदे विच वड्डा कारण जिहड़ा मेन है भी जो पंजाब के मुलाजम अपने 35-35, 40-40 साल नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं उन्हों की पेंशन जी नवी स्कीम के अंडर मैं कहूँगा भी बिल्कुल भी ना मात्र दे मात्र आ और असं चाहते हैं भी साढ़े पुराने मुलाजम वगू जी पुरानी पेंशन बहाल हो यही साड़ी मुख्य मंग है। नहीं तो आने वाले समय से मैं दसिया प्रधान जी ने भी 26 फरवरी मुख्यमंत्री के निवास स्थान धुरी विखे जी असं वड्डी रैली करांगे। सो साड़ी मंग है पंजाब सरकार तो भी वह पुरानी पेंशन बहाली का पूर्ण नोटिफिकेशन जारी करे ता जी मुलाजमान की जी मेन मंग है वो पूरी होवे जी। धन्यवाद।